ओके मिलियनेयर, दिस इज द थर्ड वीडियो। पहले में आपने सीखा कि आपके मैनेजर में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, दूसरे में कि इंटरव्यू से पहले क्या करना है। अब इसमें मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ दैट इज कि इंटरव्यू के दौरान आपने क्या क्या करना है। 11 टोटल चीजें जो आपने इस्तेमाल करनी है। नंबर एक, आपने इंटरव्यू अकेले नहीं लेना, हमेशा अपने साथ 2-3 बंदे रखो दैट आर तजर्बेकार, सीनियर देन यू, उन्होंने हायर किया हुआ है लोगों को। गिव देम अ कॉपी ऑफ द सेम क्वेश्चंस जो आपने लिखे हुए हैं, गिव देम अ पेन एंड अ पेंसिल। नंबर टू, इंटरव्यू आ गया, सामने आपके बैठ गया, अखलाक इज अ गुड थिंग, ठीक है, चाय पानी का पूछो, बट देयर इज नो नीड टू रिश्तेदारियां निकालनी, पूछना कि कहाँ से हो, फ्रेंडलीनेस ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि अगर वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपका निकल आता है, यारियाँ आ जाती हैं, आपकी जो जजमेंट है वो क्लाउडेड हो जाएगी, आप साइड ट्रैक हो जाओगे। एंड माशाल्लाह, इवन तो मैंने कहा कि आपने साथ एक दो बंदे बिठाए हुए हैं, दिल कीप यू ऑन ट्रैक, लेकिन फिर भी फिजूल की बात है, वी नॉट टॉकिंग अबाउट यारियाँ रिश्तेदारियाँ, कहाँ से आते हो, क्या खेलते हो वगैरह वगैरह। इस बंदे का एक मकसद है, ही इज़ टू हियर टू मेक यू मनी, आपका बिजनेस इन्हें चलाना है, लेट्स स्टिक टू दैट। नंबर तीन, जल्दी से इस बंदे को रिकैप कर दो कि बिजनेस कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। मे बी अगले महीने तक, मे बी मैंने एक नई बेंच खोलनी है, अगले साल तक मे बी आई वॉन्ट टू हैव 3-4 जितनी भी हैं, मे बी मैंने जूस बिजनेस के से आई वॉन्ट टू गो टू द चाय बिजनेस, मे बी दाल रोटी, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इसको बता दीजिए, बट वेरी वेरी क्विकली। नंबर चार, इस बंदे को पूछो कि आपको मैं क्यों हायर करूँ, आपके पास इस इंडस्ट्री का क्या तजर्बा है। एंड जब ये बंदा बता रहा होता है, यू स्टे एब्सोल्युटली क्वाइट, यानी बिल्कुल साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट होनी चाहिए, लेट हिम स्पीक, वो मजबूरन आपको उसको बताना पड़ेगा, मजीद अपने से निकालनी पड़ेगी चीज़ें दैट ही वुड अदरवाइज नॉट टेल यू, और पेन पेंसिल क्योंकि आपके सामने है, प्लीज़ टेक नोट्स। नंबर पाँच, उस बंदे से पूछो, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, मैं आपको ये जॉब दे देता हूँ, तब कब स्टार्ट कर सकते हो, सिंपल सा सवाल है, लिख दीजिए इसका जवाब। नंबर छः, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो, अभी किसी के साथ काम कर रहे हो, तो उनको कितना नोटिस तुम्हें देना है, एंड दिस विल बी अ रियली की फैक्टर। अगर वो कहते हैं नहीं नहीं नोटिस की कोई बात नहीं, अपनी बात में आ जाता हूँ, दैट मीन्स कल को ये बंदा ही विल डू द सेम थिंग टू यू, इसकी कोई एथिक्स नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है। अगर वो कहते हैं नहीं, मुझे उनको कम अज़ कम 2-3 हफ्ता देना पड़ता है, देन दैट इज़ गुड, नोट कर लीजिएगा, बिकॉज बाद में काम आएगा। नंबर सात, इस बंदे से पूछो कि आप जो एम्प्लॉयमेंट में जिसमें अभी हो, अगर है तो क्यों छोड़ रहे हो, वाई आर यू लिविंग दैट बिजनेस, और साथ क्या करना, नोट करते जाना कि बंदा क्या कहता है, बिकॉज अगर ये अपने मालिकों के, पिछले मालिकों के, बॉस के बारे में गलत बातें कर रहा है, बुरी बातें कर रहा है, देन ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू डू द सेम थिंग टू यू, ठीक है। और प्लस अगर एक आध कोई नेगेटिव है, जहाँ पे आप कह सकते हो इट्स लाइक जी वो तनख्वाह टाइम पे नहीं देते, या दिस दैट दैट इज़, आप फिर भी नोट कर लो कि बाद में ये काम आएगी। नंबर आठ, मैं उमूमन कहता हूँ नेगोशिएशन में एक जरिया होता है कि यार पहले आप अपनी कीमत नहीं बताते, बट यहाँ पे वन आप जब वेज बता रहे हो, यू शुड हैव अ ब्रैकेट एंड आप पहले बता दो ये हमारी वेज होगी एंड ये हमारे बेनिफिट्स होंगे, एंड देन वेट फॉर हिज रिएक्शन, वो बंदा क्या कहता है। नंबर नो, क्योंकि ये बंदा आपके बिजनेस को चला रहा है, ही इज़ गोइंग टू बी इन अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी, इन अ प्लेस ऑफ जहाँ पे ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है, आपका आपको इसने पैसा बना के देना है, बल्कि इसने अपने पास आपका पैसा रखना है, ज़ाहिर ही इज़ टेकिंग डेली टेकिंग्स वगैरह, ठीक है, बैंकिंग शायद आपके लिए करेगा, सो वी कॉन्ट टेक दिस पर्सन लाइटली। आप इससे कम अज़ कम 2-3 जो प्रीवियस इनके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके रेफरेंस लो, फिर उनको फ़ोन करो, फिर उनको पूछो कि ये बंदा आप यू नो व्हाट इज नंबर वन, अगर छोड़ चुका है तो क्यों छोड़ा है इसने, वजह क्या थी, एंड टेक अ नोट ऑफ दैट। जो मैंने आपके पीछे पहले बताया कि यार बॉसेस के बारे में क्या कहता है, या यू नो ऑल द अदर थिंग्स दैट आई टोल्ड यू टू राइट डाउन, नाउ दिस इज़ द टाइम कि आप उनके प्रीवियस जो बॉसेस उनको बता सकते हैं, इसने ये कहा वो कहा वगैरह वगैरह, एंड क्या इसमें हकीकत क्या है। मज़ीद आप इनके पिछले बॉसेस से ये पूछो कि इनकी जो वीकनेसेस क्या हैं, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और क्या वो दे वुड रेकमेंड कि इस बंदे को हायर करो, सच्ची से भाई जान सच्ची से बता दीजिए, क्या वुड यू रेकमेंड, अपने भाई को कहोगे इसको हायर करें, इसको जॉब दें कि नहीं, सिंपल सवाल है। उमूमन जो बंदे हैं वो दिल के बता देंगे नहीं यार इसने फलां किया था वहाँ किया था, आई डोंट ट्रस्ट हिम। नंबर 10, नो के बराबर है बट इट रिक्वायर्स अपना पॉइंट आउट। प्रीवियस जो एम्प्लॉय से बात कर रहे हो आप, उनसे आपने कहना कि कोई चीज़ आप इसके बारे में जानते हो दैट आई शुड नो, जो ऑफ रिकॉर्ड होगी, मैं बिल्कुल नहीं किसी को बताऊंगा। दिस इज़ यार मे बी इसका डाका चक्कर ये वो भागना कुछ ना कुछ, मे बी हैड कोई इलिसिट, यार कभी ये ड्रग बेचा करता था, वट एवर राइट, मे बी इसको एड्स थी, मे बी इसको कोई फलां टीबी थी, यू डोंट वॉन्ट टू ट्रांसमिट डिजीजेज अगर आप स्पेशली फूड वाले बिजनेस में हो, ठीक है। सो या इसको कोई बुरी आदत है, या शराब पीता है, वट एवर, दिस इज़ ऑफ रिकॉर्ड, अपने तक महदूद रखोगे विद इन द सर्कल ऑफ 2-3 पीपल, एंड देन यू कैन मेक दैट डिसीजन कि इसको रखना कि नहीं रखना। नंबर 11, फाइनल वाला, इफ़ यू लाइक हिम, अगर वो आपको पसंद आता है उसको बता देना कि यार आप ठीक हो ये वो उसको, ताकि थोड़ी सी उम्मीद हो, बट डू नॉट ऑफर हिम द जॉब, बिकॉज आपको अभी भी रेफरेंसेज वगैरह करने हैं, बिकॉज यू डोंट नो कि यार फट्टे के नीचे से क्या निकलेगा। ओके, सो डू द रेफरेंसेज, डू एवरीथिंग, एंड कह देना कि आई विल बी इन टच। अगर आप रखते हो उस बंदे को, ठीक है,
फाइन, उसको जॉब दे दिया। अगर नहीं रखते तो कम से कम उसको एक आध मिनट की कॉल कर दो, जी आपको मैंने नहीं रखा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग वगैरह वगैरह, ठीक है, कर्टसी सॉरी होनी चाहिए। इट्स नॉट एन एम्प्लॉई, ये मैनेजर की लेवल है। और कोई पता नहीं यार, दुनिया छोटी है, यू माइट फिर फरा के कल इसका डाबा, या मे बी ही बिकम्स योर सप्लायर एक्सेट्रा। क्योंकि मैंने कहा मैनेजर्स अक्सर बॉसेस बन जाते हैं, ओनर्स बन जाते हैं, इट्स अ वेरी क्विक रूट टू बिकमिंग एन ओनर। मैं कभी भी नहीं कहता कि यार उसी दिन किसी मैनेजर को हाँ कर दो। I've done it in the past. I've made quick decisions. And बाद में जब वक्त गुजर चुका है, I've regretted it. मुझे ना अफसोस हुआ कि यार I shouldn't have done this, थोड़ी जल्दी में कर दी थी। Manager is a very key किस्म का बंदा, ज़्यादा excited नहीं होना उसके सामने, जब होता है ना छोटा कुत्ता हो जाता है मालकों के आगे, I'm sorry, right? दुम उसकी हिलरी होती है। Keep control of your, जो आपकी जितनी personality है दबा के रखनी है अंदर। Be as serious as possible. यानी ये नहीं कि मैं यार मुरझाए वो बंदा हो या गुस्से में होना चाहिए, बट कीप योर इमोशंस इन चेक। मिलियनेयर, ये थी 11 चीज़ें जो मैंने आपको सिखानी थी। आई होप फायदा हुआ है, यू विल यूज़ देम, एंड ऑल द बेस्ट इन हायरिंग योर मैनेजर्स, ठीक है, गुड लक इन दैट। उसके अलावा chaiwala.com मेरा फोरम है, जहाँ पे मैं कहता हूँ सबको आओ टू टॉक बिजनेस, इट्स अ बिजनेस फोरम। कोई लेनी है कोई चीज़, कोई ढूंढनी है, कोई ऑफर करनी है सर्विसेज, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क अबाउट अ बिजनेस, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे आ जाओ। अगर कोई बंदा सब्सक्राइब नहीं हुआ तो यार सब्सक्राइब हो जाओ, बंदे का हौसला होता है। अगर किसी के काम आता है ये वीडियो तो उसको भेज दो, ठीक है, अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।